वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए एलटी वालों के लिए एक खुशखबरी ले आया हूँ। आज एचपीयू के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट निकाली गई है जिसमें एलटी की एक पोस्ट डिक्लेयर करी गई है। तो जैसा कि हर एक बच्चा या स्टूडेंट इच्छुक था कि एलटी की पोस्टें कब निकलने वाली है, क्या होगा, क्या निकलेंगी क्या नहीं निकलेंगी, काफ़ी टाइम ये अफवाह भी चली थी कि अब एलटी की पोस्टें नहीं निकलने वाली है, इत्यादि इत्यादि इस तरह की अफवाहें चली थी। तो हर एक वीडियो में बच्चे पूछते रहते थे कब सीट निकलेंगी कभी नहीं। तो मैं उन्हें यही सलाह देता था कि बच्चों आप स्टडी करते रहिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो देखिए, आज खुशखबरी निकली है, एक जनरल की पोस्ट निकली है एचपीयू में एलटी कमीशन वालों के लिए। ठीक है ना, जो भी इसके अभ्यर्थी हैं, जो भी इसके योग्य हैं, तो वो इस पोस्ट को भरिएगा। इसमें जनरल के लिए एक पोस्ट है, सिर्फ ये जनरल वालों के लिए नहीं, कोई भी अगर अभ्यर्थी हो, एससी एसटी कोई भी इच्छुक हो तो भर सकता है। जो भी इसमें टॉप करेगा उसका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो जो ये एलटी की पोस्ट निकली है एचपीयू के द्वारा निकाली गई है, ये होगी सिलेक्शन आपकी। एचपीयू में मॉडल स्कूल है, वहाँ पर आपके इस पद के लिए चयनित किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। इसके पश्चात JVTT की भी एक पोस्ट निकली है, जो भी इच्छुक हो या योग्य हो तो इसे भी भर सकता है। टोटल पोस्ट यहाँ पर दो होंगी, वो भी इसे देख सकता है। बाकी एलटी की बात कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसकी जो फीस का स्ट्रक्चर रहने वाला है, जनरल के लिए 1200 रुपये फीस होगी, एससी एसटी इत्यादि के लिए, ये देखिएगा यहाँ पर जनरल के लिए दो कैटेगरी में है, कैटेगरी बी के लिए 2000 और कैटेगरी सी डी के लिए 1200। इसी तरह से जो एससी, इसके लिए 1000 कैटेगरी बी के लिए और कैटेगरी सी डी के लिए 6 है। तो इस प्रकार से कुछ इसकी इंस्ट्रक्शन है। आगे भी देख लेते हैं, आगे है इसका सिलेबस। तो यहाँ पर ये सिलेबस है, हमने लगभग कंप्लीट अपना सिलेबस एलटी के लिए हिंदी साहित्य का डिस्कस करा है। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, अगर आप अभी तक उसे नहीं देख पाए हैं तो आप उसे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको। आप में से अधिकतर बच्चे हमेशा वीडियो में कमेंट करते थे कि जो एलटी की पोस्टें कब निकलने वाली है। तो देखिए, आज एक एडवर्टीजमेंट निकली है एचपीयू में, यहाँ पर एलटी की एक पोस्ट निकाली गई है। तो मैं आपसे हमेशा ये बोलता रहता था कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए, ना कि पोस्ट पे, पोस्ट कब निकलेगी कब नहीं। तो देखिए, यहाँ पर एक पोस्ट निकली है, आज ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि आपको अपनी मेहनत पर फोकस करना है, ना कि पोस्टों पर। तो जो भी इच्छुक है इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और यहाँ पर इसका क्राइटेरिया भी दिया है। तो बस ये फॉर्म को फिल करिए। यहाँ पर इसके फॉर्म के ओपन होने की डेट है, ये 7/1/2022 से है, और जो क्लोजिंग डेट है ये 29/1/2022 तक की है। और जो ये नोटिफिकेशन है, आज ही रिलीज़ की गई है, देख सकते हैं आप डेट 4 जनवरी 2022 है। तो इस प्रकार से कुछ इसका ये स्ट्रक्चर रहता है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप अवश्य ये पूछिएगा। हमारी टीम के द्वारा एक कोर्स भी लॉन्च किया गया है एलटी कमीशन और पीजी हिंदी के लिए, अगर आप लोग इच्छुक हो तो संपर्क कर सकते हो।